जब कोई स्टॉक अपना एक रेंज बना लेता है और कुछ दिन उस रेंज के ट्रेड करने के बाद उस रेंज को विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसको ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली में ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो हम लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मगर आपके चिंता का कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 3 ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर बात करूँगा जिसके अंदर आप अभी के लिए पोजिशन बना सकते हो। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और इंट्राडे का डेली बेसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो 3 ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर डिस्कस करेंगे उनमें से कौन कौन स्टॉक रहेगा उसको पहले जान लेते हैं। नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा SKM एक प्रोडक्ट्स के ऊपर, नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा ऑपर इंडस्ट्रीज के ऊपर, और नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा मॉलटेक टेक्नोलॉजीज। लेकिन इन तीनों में से जो ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे वो रहेगा SKM एक प्रोडक्ट्स। वो क्यों रहेगा ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जानने के लिए पहले बाकी 2 स्टॉक को जानना और भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं इस ब्रेकआउट स्टॉक का वीडियो को छोड़ के भी एक इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो डेली बेसिस डालता हूँ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर इतना कुछ इनपुट्स मिलते हैं, लाइव करता हूँ, बहुत कुछ मिलते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार चेक कर लीजिए पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक किया है नहीं, क्योंकि उसको नहीं करने से आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, वो है मेरा टेलीग्राम चैनल। ये एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जब मैं लाइव करता हूँ उसका लिंक वहाँ पर देता हूँ, इंट्राडे का निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ, बहुत इनपुट्स है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके बहुत कुछ लिंक मिलेगा। उसके अंदर टेलीग्राम चैनल करके है, उसके पास में जो लिंक है उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो जो पहला स्टॉक रहेगा नंबर 3 जो रहेगा उसको हम लोग पहले देखेंगे। नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा मॉलटेक टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो आपके सामने मॉलटेक टेक्नोलॉजीज का डेली टाइम फ्रेम का, 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने ये यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया था, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था, और ये ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, फिर से देखिए जो जहाँ पर ब्रेकआउट किया उस जोन में ये वापस आ गया और यहाँ पर ये सपोर्ट ले लिया। तब हम लोग यहाँ से इसको अभी ये बाय कर सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर दोबारा निकल सकते हैं। तो इसके अंदर जो सिनेरियो है, ये यहाँ पर पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट लगा के ये यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकते हैं। तो मॉलटेक टेक्नोलॉजीज इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, सपोर्ट ले चुका है। स्क्रीन पे देखिए इसका बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस लेवल उसको देखिए, और टाइम कितना दिन रखना पड़ेगा उसको भी देखिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा व्यू मेरा लेवल देता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। अब हम लोग नंबर 2 पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जो मैं चार्ट एनालिसिस दिखाता हूँ ऐसे यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक, इसके ऊपर मेरा एक टोटल प्रोग्राम है, यानी कि एवरी वीक 7 से 10 स्टॉक वहाँ पर मैं देता हूँ मेरा मेंबर्स के लिए, जो कि एक गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम। सबसे बड़े बात वहाँ पर लेवल्स के साथ टारगेट स्टॉप लॉस के साथ मैं देता हूँ, PDF भी देता हूँ और पूरा एनालिसिस करके देता हूँ। एवरी संडे को वो मैं देता हूँ, ये संडे भी आ गया है वीडियो एवरी वीक। तो उसका लिंक, ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में ब्रेकआउट स्टॉक का जो गोल्डन ब्रेकआउट का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से जाके उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपके लिए 1 मंथ 3 मंथ सारे वहाँ पर अवेलेबल है, 6 मंथ 1 ईयर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते तो आप मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में संदीपन चक्रवर्ती एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे सारे कोर्सेस अवेलेबल है अलॉन्ग विद दिस गोल्डन ब्रेकआउट, तो वहाँ से जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा ऑपर इंडस्ट्रीज के ऊपर उसका चार्ट। तो यहाँ पर मैंने ऑपर इंडस्ट्रीज का 1 आवर का चार्ट ओपन किया है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर इसने क्या किया था,
यहाँ पर इसने पूरा एरिया जो था इस एरिया पे कंसोलिडेशन किया था। आप देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था पूरा एरिया को, और इसने यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, फिर ये नीचे थोड़ा बहुत आया है। तो बहुत बढ़िया जगह पे ये ऑपर इंडस्ट्रीज खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको पोजिशन बनाना है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने उसका कितना दिन रखना पड़ेगा, क्या लेवल और क्या स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दिया हूँ। उसको उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं आप, खुद भी एनालिसिस कीजिए पहले, उसके हिसाब से उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर इतना कुछ मैं देता हूँ तो कैसे लगता है आप लोगों को, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कुछ भी सजेशन हो सुझाव हो तो दीजिए, कुछ भी पूछना है कोई भी स्टॉक को बारे में पूछना है तो पूछिए, लाइव करता हूँ, जोड़ते कि नहीं बोलिए, तो कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। 100 प्लस लाइक टारगेट है और 50 प्लस कमेंट टारगेट है, अचीव कर देना है आप लोगों को, पास छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। अब हम लोगों का जो स्टॉक ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन वो कौन सा स्टॉक रहेगा, वो रहेगा हम लोगों का SKM 8 प्रोडक्ट्स। तो ये क्यों ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे रहेगा इसको पहले जान लीजिए। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या किया था, यहाँ पर पूरा एरिया पे कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और सीधा ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया 200 डेज का EMA के ऊपर, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और ये फिर से ऊपर जाके ये ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, जो एरिया लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस बनाया था उस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो इसके वजह से ये SKM एग प्रोडक्ट्स जो कि है इसके अंदर मैं इसको ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे चूज़ किया हूँ, और कहीं ना कहीं इस एरिया के ऊपर ये सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर निकल सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसके अंदर यहाँ पर एक बार भी यहाँ पर पैटर्न हुआ था, आप देखिए ये 2-3 कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनाने के बाद ऊपर भागा था, फिर से ऐसे हो रहा है तो इसका चांसेस हाई है ऊपर जाने के लिए। तो लेवल क्या रहेगा स्क्रीन पे देखिए SKM एक प्रोडक्ट्स का, उसके हिसाब से आप दिन उसके हिसाब से कर सकते हैं, कितना दिन रखना पड़ेगा, क्या क्या लेवल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से देख के ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। अब एंड स्क्रीन में आप देखिए मेरा जो इंट्राडे का जो वीडियो मैंने डाला था, इंट्राडे स्टॉक ऑफ जो 3 स्टॉक कल के लिए रहेगा उसका एपिसोड मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ, उसको जाके एक बार ज़रूर देखना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।